जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है। रिजल्ट के दूसरे दिन दिल्ली में नेताओं की धमक देखने को मिल रही है। तो वहीं मंथन का दौर भी शुरू हो गया और 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 8 जून को ले सकते हैं। बुधवार को तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन तक पीएम मोदी कार्यभार संभालते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को सियासी हलचल काफी तेज हो गई। एनडीए के साथ ही इंडी अलायंस के नेता अलग अलग बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश के लिए सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने दिल्ली में आगे की रणनीति पर मंथन किया। बैठकों का दौर शुरू हुआ। मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, कहा सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के बेहद करीबी संजय झा का भी बयान आया। संजय झा ने कहा हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। ये इतने बड़ा मैंडेट बिहार के जनता ने एनडीए को बिहार में दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार से आप लोगों की बातचीत कल हुई थी, कितनी सच्चाई है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सब स्पेकुलेशन मीडिया में चलता रहता है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और आज एनडीए की मीटिंग में शामिल हूं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के इफ और बट के सवालों पर साफ कह दिया कि वो पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything will report to you. और इसी बीच बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, विपक्षी गठबंधन ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से विपक्ष में बैठने का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में वैसे ही सियासत इस वक्त तेज है और विपक्षी गठबंधन ने विपक्ष में बैठने का ऐलान किया है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी और इस वक्त खबर निकलकर सामने आई है कि विपक्ष में बैठने का ऐलान किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो विपक्षी गठबंधन ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन ने यह तय किया है कि विपक्ष में बैठा जाएगा। इंडिया गठबंधन का यह सबसे बड़ा ऐलान और इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। चर्चा के बाद यह तय किया गया कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में रहेगा, सरकार बनाने की तरफ कदम नहीं उठाए जाएंगे। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान अभी तक इंडिया गठबंधन का इस पर नहीं आया है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है। अगर ये बयान सामने आता है तो इसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए की राहें पूरी तरीके से आसान हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि विपक्ष की तरफ से ये ऐलान किया गया है, विपक्षी गठबंधन ने ये सबसे बड़ा ऐलान किया है कि वो विपक्ष में बैठेंगे।
ये बड़ा ऐलान अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है उसमें कहा गया है कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो विपक्ष में बैठेगा। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले सरकार बनाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया था कि हम नेताओं से बात करेंगे, अन्य जो दल है उनके साथ बातचीत की जाएगी और उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और ये तस्वीर भी हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, खड़गे के घर पर यह बैठक हो रही थी जहां पर सभी दल के नेता मौजूद थे जो इंडिया गठबंधन में है। सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार भी इसमें मौजूद थे और इसके साथ ही जो भी दल इंडिया गठबंधन के साथ है वो सभी नेता इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से कि सरकार नहीं बनाएगी इंडिया गठबंधन। बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष में बैठेंगे इंडिया गठबंधन के सभी नेता। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से यह फैसला किया गया कि वे सरकार नहीं बनाएंगे और गठबंधन विपक्ष में रहेगा, इसे लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह सबसे बड़ी खबर है। और चलिए यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल।